हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए तो उसका नाम है स्टडी मास्टर। आप उसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जो जियोग्राफी करेंगे, जियोग्राफी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं, मैं 115 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। 115 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स, जो अभी आप लोग अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा सिविल सर्विसेज, हरियाणा एसएससी जीडी ग्रुप डी के जो भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन जो आएंगे वो इनमें से आ जाएंगे, या फिर एसएससी आरआरबी ग्रेड डी आरपीएफ, तो इसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये मतलब कि मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जिनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जो जनरल टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं। तो ये 115 क्वेश्चन है, आप लोग सुनिए ध्यान से, उनको क्वेश्चन को पढ़ते भी साथ साथ और सुनते भी रहिए, इससे जो आपकी अच्छे से रिविजन हो जाएगी और आपको जो क्वेश्चन याद रहेंगे एग्जाम में आप फिर कर पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? उसका आंसर है 3214 किलोमीटर। तो याद रखिए फ्रेंड्स, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है 2933 किलोमीटर। भारत उपमहाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 3287263 वर्ग गज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एचडी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो कई बार क्या है, क्वेश्चन साफ नहीं दिखते। मुझे कई बार बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन सर ऐसे मतलब साफ नहीं दिखते, आप लोग जो डायरेक्ट लिखते हो वो भी नहीं पता चलता। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को 720 पे कर लीजिए या फिर 480p पे कर लीजिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन लिखे हो स्क्रीन पे वो अच्छे से दिखाई दे। भारत की लगभग परिधि कितनी है? तो लगभग पूछा गया फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 15200 किलोमीटर। भारत किसके उत्पादन में पहले क्रम में आता है? तो आपको याद रखना है, भारत किसके उत्पादन में पहले क्रम में आता है? चाय के उत्पादन में। इनमें से किसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, आरआरबी एसएससी ऐसे एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, पोंग बांध किस नदी पर है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पोंग बांध ब्यास नदी पर है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? दुधिया राष्ट्रीय पार्क जो चीतों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? दुधिया राष्ट्रीय पार्क, तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये दुधिया राष्ट्रीय पार्क कई बार एग्जाम के अंदर आता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी सही मिलान कीजिए में भी आ जाता है, तो ये यूपी के अंदर है। तो हरियाणा के एग्जाम के अंदर ये आने के चांसेस है, क्योंकि ये हमारे पड़ोस में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो आप लोगों को पता है, गोवा बिल्कुल छोटा है। वह राज्य है जिसकी भूमि का सबसे ज्यादा प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से ढका हुआ है, तो वह ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश। भारत और चीन के सीमा को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता तो आप याद रखिए, मैकमोहन लाइन। चलिए बताइए, रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में है? पूर्वी तट पर कौन सी कृत्रिम बंदरगाह है? पूर्वी तट पर कौन सी कृत्रिम बंदरगाह है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चेन्नई। इनमें से कौन सी जगह समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है? तो वह कौन सी जगह जो समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, वो है लहासा। भारत में पहला इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर डाउट क्वेरी का जो रिप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। और जो लोग कमेंट करते हैं उनको पता है कि मैं विद इन 1 और 2 आवर रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। भारत में पहला इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया जमशेदपुर के अंदर। आगरा किस नदी पर है? तो वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आगरा यमुना नदी पर है। मूक घाटी जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, केरल के अंदर। फ्रेंड्स भूलने नहीं है क्वेश्चन, अगर एक बार भूल जाते हैं तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को 1, 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रहेंगे, और एग्जाम में इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक। और आप जिस भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे बता दीजिए, मैं फिर आपकी कोई ना कोई हेल्प कर पाया तो जरूर करूंगा। सोना किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो वह है कर्नाटक के अंदर। केसर किस राज्य में ज्यादा होता है? केसर फ्रेंड्स, केसर याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। भारत में डेयरी का सबसे बड़ा खोज केंद्र कहाँ है? भारत में डेयरी का सबसे बड़ा खोज केंद्र कहाँ है? करनाल। चलिए एक मिनट कीजिए, करनाल किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आई होप यार मैं एक और क्वेश्चन पढ़ दूं जैसे हो जाएगा, महानदी पर। टेहरी बांध को कौन सी नदी पानी देती है? तो वो है भागीरथी। सुगंध से भरी चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? कर्नाटक। इनमें से भारत में स्थापित होने वाला कौन सा सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कमेंट कीजिए, किस
राज्य के अंदर है, तो इसका राज्य कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा कॉम्प्लेक्स के लिए। भारत में सबसे ज्यादा अफीम किस राज्य में होती है, तो आप लोगों को पता है कि ये मध्य प्रदेश के अंदर होती है क्योंकि वहां पे जंगल है बहुत ज्यादा। डाचीगाम सेंचुरी कहां पर है, तो डाचीगाम सेंचुरी फ्रेंड्स ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। याद रखिए ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत बार, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको मतलब रट लेना चाहिए आप लोगों को। पटसन के कारखाने मुख्यालय कहां पर है, पटसन के कारखाने मुख्यालय कहां पर है, तो ये है कोलकाता के अंदर। कौन सी कोयले की खान भारत में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, कौन सी कोयले की खान से भारत में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, वो है झरिया। किस राज्य में रबड़ के लिए सबसे ज्यादा जमीन प्रयोग की जाती है, तो वो है केरल। भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ केटू गडविन अस्टिन गडविन दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, गडविन अस्टिन आपको पता है। चलिए अब इसकी जो है हाइट कमेंट कीजिए कि इसकी कितनी हाइट है फ्रेंड्स, ताकि आपको याद रह सके कि जो केटू है भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कई बार पूछ जाता है कि इसकी हाइट बताइए, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसमें दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है दूसरे नंबर की, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो है कंचनजंगा। भारत में किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश को, क्योंकि वहां की गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा होती है वहां पर, तो याद रखिए। हीरा कहाँ की खानों से निकलता है, तो हीरा पन्ना मध्य प्रदेश की खानों से निकलता है। उस एजेंसी के बारे में बताएं जो स्थलाकृति के नक्शे बनाती है, तो चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप लोगों को जो सुटेबल लगे वो आप अपने माइंड में सोच लीजिए, लेकिन जो राइट आंसर वो है सर्वे ऑफ इंडिया। कन्याकुमारी किस राज्य में है, कन्याकुमारी किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स कन्याकुमारी आप लोगों को पता है तमिलनाडु के अंदर है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, आप लोगों को पता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो 223 है याद रखिए। भारत में दो तिहाई कोयला कहाँ पाया जाता है, तो ये दामोदर घाटी के अंदर। इनमें से किस राज्य में सबसे कम जंगल पाए जाते हैं, तो ये हरियाणा के अंदर बहुत कम जंगल है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भूलना नहीं है, ये याद रखिए पद्मा। भारत का दक्षिणी किनारा कौन सा है, भारत का दक्षिणी किनारा कौन सा है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, इंदिरा पॉइंट। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि जियोग्राफी भूगोल के मैं आपको कुछ बेस्ट 50 क्वेश्चन बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन की सर वो क्वेश्चन दे दीजिए हमें, वो एग्जाम के अंदर आ जाए, तो फिर मैं आपको वही दे दूंगा, उनमें से आपको एग्जाम के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि तो 3.5 में कहता फ्रेंड्स, लेकिन उनमें से 4-5 जो है अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन मतलब आ जाएंगे, ये नहीं कहता कि एक ही में आ जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक पेपर में तो 4-5 क्वेश्चन डालते नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर के अंदर। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ता की 75% पैदावार किस राज्य में होती है, तो ये होती है छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत का दक्षिणी छोर जिसे पिगमेलियन पॉइंट व पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसका अब नया नाम इंदिरा पॉइंट हो गया है, वह कहां पर है, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, ये भूलना नहीं है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान किससे संबंधित है, तो राणा प्रताप सागर डैम किससे संबंधित है, पानी द्वारा बिजली उत्पन्न करना, तो आप लोगों को पता है कि डैम इसी काम में यूज होते हैं। भारत में जीवंत ज्वालामुखी कहां पर है, तो फ्रेंड्स बताइए 4 ऑप्शन है कहां पर है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वो है भाखड़ा नंगल। भारत की देशांतर रेखा की सीमा क्या है, तो फ्रेंड्स ये आप लोग इसका आंसर मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप लोग इसका आंसर नीचे जरूर कमेंट करें। चलिए 10 सेकंड का समय, आप आंसर कमेंट कर लीजिए, अगर आपको पता है आंसर तो आप सोच लीजिए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ इसका। चलिए फ्रेंड्स जिसका राइट आंसर है वो बी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यूरेनियम के भंडार की प्रसिद्ध जादूगुड़ा खाने किस राज्य में है, तो ये झारखंड के अंदर है। जीवाणुनाशक औषधि कहां पर बनाई जाती है, जीवाणुनाशक औषधि कहां पर बनाई जाती है, तो ये पिंपरी के अंदर। लोहा और इस्पात की इकाइयां कहां पर है, तो ये दुर्गापुर के अंदर है। सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है, तो ये गुजरात के अंदर है, आप लोगों को पता है क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब शेप ऐसे ऐसे घूम घूम के बनती है, तो फ्रेंड्स इस वजह से वो काफी लंबा तट हो जाता है। तो मैं नक्शा बना रहा था,
सारसिका चीता का सुरक्षित शरण स्थल किस राज्य में है? सारसिका चीता का सुरक्षित शरण स्थल किस राज्य के अंदर है? तो वह है राजस्थान के अंदर। भरतपुर सुरक्षित शरण स्थल राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो भरतपुर का जो सुरक्षित स्थल है वो किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? वो है पक्षियों के लिए। भारत में नाथुला पास किस राज्य में है? तो ये सिक्किम के अंदर है। झारखंड में इस्पात का कारखाना कहां पर है? जमशेदपुर के अंदर। खजुराहो मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश। नवेली थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर। और फ्रेंड्स ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप लोगों को सुनना है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप आराम से बैठे रहें, वीडियो चला के अपने कानों में हेडफोन लगा के और क्वेश्चंस को सुनते रहें, ध्यान से सुनते रहिए फ्रेंड्स और पढ़ते भी रहिए साथ साथ। इससे क्या होगा कि जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, जब मूवी आप फर्स्ट टाइम देखते हो आपको पूरी स्टोरी याद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप आंखों से देख रहे होते हैं और कानों से सुन रहे होते हैं फ्रेंड्स। ठीक उसी तरह आप हेडफोन लगा के सुना कीजिए लेक्चर, कि आप आंखों से तो देखते रहिए कि हाँ क्या हो रहा है, स्क्रीन पे क्या चल रहा है, और मेरी बातें सुनते रह कीजिए, तो उससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको क्वेश्चंस जल्दी याद रहेंगे। इनमें से कौन सी बंदरगाह पूर्वी तट पर है? तुतिकोरिन। इनमें से कौन सा नगर कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टीटागढ़। चलिए फ्रेंड्स ये है हमारे जो चैनल का लोगो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड आइकन रेड कलर का बटन है उसमें सब्सक्राइब लिखा, उसको क्लिक करें वो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया तो वेरी गुड यार, और साथ में एक बेल आइकन का बटन उसको जरूर दबा लें, बेल के दोनों तरफ ऐसे डंडे से आ जाएंगे, उसका मतलब आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अरावली पहाड़ी किस राज्य में है? तो अरावली पहाड़ी राजस्थान के अंदर है। भारत की जल सीमाएं कहाँ तक हैं? तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होती हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? कर्नाटक को। चांदीपुर एट सी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर, मिसाइल परीक्षण, ये एसएससी के लेवल का क्वेश्चन है। सिक्किम की प्रमुख नदी कौन सी है? चलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए बीच में क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि शायद आपको उसका आंसर ना पता हो, तो आपको वो एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। कोच्चि या कोच्चि और विशाखापट्टनम समुद्री बंदरगाहों कहाँ पर है? जो हमारी कोच्चि और विशाखापट्टनम है उसकी जो समुद्री बंदरगाह वो कहाँ पर है? तो ये पश्चिम तट पर है, आप लोगों को पता है इस ऑप्शन के हिसाब से। सॉरी फ्रेंड्स, कोच्चि और विशाखापट्टनम दो पूछी गई हैं, तो दोनों पश्चिमी और पूर्वी तट पर है फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं सिर्फ एक समझ गया था। इनमें से क्या उचित तरीके से मेल नहीं खाता? तो ये मेल वाला क्वेश्चन आ गया, आपको अगर एक भी पता है तो समझ जाएंगे। मिजोरम की राजधानी ईटानगर बता रखी है, लेकिन आपको पता है कि मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं फिर उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। आप बकायदा नीचे कमेंट कीजिए, आप टॉपिक का नाम बता दीजिए सर इस टॉपिक पे, और अगर बता दीजिए मैथ रीजनिंग के लेक्चर चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए कुछ टॉपिक चाहिए, कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इनमें से किसे छोड़कर बाकी गुफाएं महाराष्ट्र में है? तो बताइए फ्रेंड्स किसे छोड़कर है? वो है अमरनाथ की गुफाएं। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी वाला बांध कहां पर है? दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा ग्रेविटी आकर्षण वाला बांध कहां पर है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसका आंसर है भाखड़ा। किस राज्य के तट पर व्हीलर द्वीप स्थित है? किस राज्य के तट पर व्हीलर द्वीप स्थित है? तो वो हमारा है सी, ओडिशा के अंदर। ओडिशा सरकार ने व्हीलर आइलैंड का नया नाम रखा है अब्दुल कलाम टापू। इनमें से कौन सा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें सबसे ज्यादा है वो महाराष्ट्र है। इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स कौन सा शहर बसा हुआ साबरमती नदी के किनारे? अहमदाबाद। कौन सा शहर सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? कौन सा शहर सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो फ्रेंड्स वो है देहरादून। अगर अरुणाचल में सूर्योदय का समय 6 बजे है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो फ्रेंड्स सुबह के 8 बज रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया गया तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सीधा याद रख सकते हैं। कवरत्ती किस की राजधानी है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं चलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ, कि आप लोग एक आधा क्वेश्चन तो जरूर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। भारत में एक ही जगह पर टिन पाया जाता है, तो वो कौन सी जगह भारत के अंदर जहाँ पे टिन पाया जाता है? वो है रेवा। तालचर किस राज्य का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? तालचर
किस राज्य का कोयला क्षेत्र है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चंस तो आ जाते हैं बिहार का। भारत में कौन सी जगह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कौन सी जगह है फ्रेंड्स, वो है पश्चिमी घाट, जहाँ पे जैव विविधता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी हुई परियोजना है? तो ये है नर्मदा नदी से जुड़ी हुई। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध किस नदी पर? तो फ्रेंड्स ये तीनों बांध कौन सी नदी पर है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चंबल नदी पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा? इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, तो इन सभी में से पूछा गया कि इनमें से कौन सा, तो NH7। चलिए NH7 की लंबाई जो है वो कमेंट कीजिए। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, वो कोचिन को। इनमें से कौन सी कृत्रिम बंदरगाह है? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में कीजिए प्लीज। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? फ्रेंड्स इसमें सिर्फ जनसंख्या की बात हो रही है, थोड़ा याद ध्यान दीजिए, गोवा नहीं है जनसंख्या की दृष्टि से, वो है सिक्किम। इसका राइट आंसर सिक्किम, गोवा गलत आंसर है। दूध गंगा नदी जिसको दूधिया गंगा बोलते हैं, दूध गंगा नदी कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। भारत में स्थापित होने वाला पहला जीव मंडल सुरक्षा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नीलगिरी, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरतपुर में पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? भरतपुर में पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? घाना अभयारण्य। भारत में मिलेट मुख्यतः किससे संगठित होती है? तो आपको पता है कि किससे संगठित है मुख्यतः मिलेट, तो तीन चीजें हैं कौन कौन सी आप बताइए, ज्वार, बाजरा और रागी। भारत में मानक भूमध्य रेखा के आधार पर मानक समय निर्धारित किया जाता है जो निम्न में से किससे होकर गुजरता है? तो आपको पता होना चाहिए चार ऑप्शन है मानक समय किससे होकर गुजरता है, इलाहाबाद से। भारत में कौन सा प्रमुख तिलहन पैदा किया जाता है? तो ये है हमारा बी ऑप्शन सरसों। भारत में प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? प्रसिद्ध फ्रेंड्स में लैगून झील बोला पूछा गया है, तो कौन सी है, वह है चिल्का लेक। गुंडई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका नाम देख लीजिए, ये तमिलनाडु के अंदर हो सकता है ऐसा, गुंडई तो गुंडी है फ्रेंड्स, कोई ऐसा ही नाम आप पढ़ लीजिए क्या नाम है। दालें सबसे ज्यादा किस राज्य में होती हैं? तो दालें सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होती हैं, चार ऑप्शंस हैं, आप लोग कमेंट करेंगे मैं आंसर बताऊँ। चलिए मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, असम के अंदर। गुवाहाटी किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आप लोग सारी लिस्ट चाहते हैं, मैं आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा कि कौन सा शहर कौन सी नदी में और कौन से राज्य के अंदर है। शहर भी बता दूंगा, नदी भी बता दूंगा और राज्य भी बता दूंगा, आप नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ सर बता दीजिए। तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, काली मिट्टी और ये असम के अंदर है, याद रखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ। काली मिट्टी किसकी उपज के लिए उचित है? तो काली मिट्टी आपको पता है कपास के लिए। जहाज निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जहाज विशाखापट्टनम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है सातवां। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। आठ राज्य हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, आपको बता दूंगा। भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है? तो भारत का प्रमाणिक समय किससे मापा जाता है, 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो अच्छे से फ्रेंड्स याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, चलिए इसकी लेंथ नीचे कमेंट कीजिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है भारत में सबसे, तो वो है जोग। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो सतलुज, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये मैच द फॉलोइंग में सही मिलान कीजिए में आ सकता है, तो वो है महानदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ, आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिए। चलिए नर्मदा याद रखिए, कहीं यार यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उसका मैं आंसर ना बताऊं तो गलत हो जाएगा। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? फ्रेंड्स ये तो इजी क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका आप आंसर नीचे जरूर कमेंट कीजिए। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है जैसलमेर, राजस्थान के अंदर। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री या अरावली? तो वो है अरावली। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है
चलिए आप अपना आंसर कमेंट करेंगे, मैं बता दूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। और आपकी कोई भी डाउट है क्वेरी तो फ्रेंड्स प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर आपके डाउट है क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोग SSC, CGL, CPO, RRB, RPF किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज, UPSC, SSC, तो हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र और महानदी सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स कहां पर है बताइए? कर्नाटक के अंदर है बांदीपुर, याद रखिए, बहुत बार आया क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? किसे कहा जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी फ्रेंड्स? वो कहा जाता है मुंबई को। और सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी कौन सी है फ्रेंड्स? कोसी। तो ये थे हमारे 115 क्वेश्चंस, मैंने विद इन 20 मिनट ये आपको करवा दिए हैं। और ये है हमारे चैनल का लोगो, एक बार फिर देख लीजिए, स्टडी मास्टर के नाम से है। लर्न वाइल एंजॉइंग, तो आप एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है क्वेरीज नीचे रिप्लाई कर दीजिए। आप और किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहते हैं? नेक्स्ट टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब भौतिक तथा विश्व भूगोल, वो लेकर आऊँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन दूँ, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए कि हाँ जी सर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे क्वेश्चन दीजिए, तो मैं आपको वो करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करूँ किसी सब्जेक्ट के, तो प्लीज बताइए और कमेंट कीजिए अपने डाउट करिए। अगर वीडियो पसंद है जिसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और दूसरों को बताइए कि इस तरह से एक चैनल है वो हमको करवा रहा है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो दूसरों का शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।